ओर किसान तीनों कानून वापस लेने पर अड़े हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर किसानों को मनाने की सरकार की सारी कोशिशें जारी है। अब 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी यूपी के किसानों के साथ चौपाल लगाने जा रहे हैं। हिंदुस्तान के किसी कोने में कहीं पर भी एक भी मंडी बंद नहीं हुई है। एमएसपी हटानी होती तो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू ही क्यों करते भाई? मुझे किसान के जीवन में आसानी चाहिए। एक ओर सड़कों पर किसान डटे हुए हैं, तो दूसरी ओर सरकार की ओर से मनाने की कोशिशें जारी है। पीएम मोदी कई बार राज्यों से लेकर देश के किसानों के साथ संवाद कर चुके हैं, जहां उन्होंने आंदोलन को खत्म करने की अपील की। सरकार के इन प्रयासों के बाद भी अगर किसी को कोई आशंका है तो हम सर झुकाकर किसान भाइयों के सामने हाथ जोड़कर बहुत ही विनम्रता के साथ देश के किसान के हित में उनकी चिंता का निराकरण करने के लिए हर मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार हैं। 25 दिसंबर यानी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर पीएम नरेंद्र मोदी किसानों से फिर संवाद करेंगे। इस बार अवध के किसानों को पीएम मोदी नए कृषि कानूनों की खूबियां बताएंगे। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश बीजेपी कार्यकर्ता केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की चिट्ठी लेकर घर घर जाएंगे। यही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी 25 दिसंबर को पूरे उत्तर प्रदेश में 2,500 किसानों के चौपाल के साथ जुड़ेंगे। बीजेपी पूरे प्रदेश में 2,500 से अधिक जगहों पर किसानों से संपर्क का अभियान चलाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में किसानों को जोड़ने का ये सबसे बड़ा मेगा कार्यक्रम होने जा रहा है। वहीं कानून का समर्थन करने वाले किसानों के दल भी लगातार सरकार से मिल रहे हैं। 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान सम्मान निधि की 7वीं किस्त जारी करेंगे। दूसरी ओर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी लगातार किसानों से बातचीत शुरू करने की अपील कर रहे हैं। कई किसान संगठन ऐसे हैं जो इस कानून का समर्थन कर रहे हैं। 25 दिसंबर के दिन पीएम किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपया उनके खाते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा 2 घंटे में ट्रांसफर किया जाएगा। सरकार लगातार किसानों को मनाने की कोशिश कर रही है। मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक किसानों के साथ सभाएं कर रहे हैं। किसान दिवस को योगी सरकार ने किसान सम्मान दिवस के रूप में मनाया। लखनऊ में विधानसभा के बाहर पहुंचकर सीएम योगी ने चौधरी चरण सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। वहीं किसान दिवस पर ट्रैक्टर बांटे। योगी ने किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की। वहीं विपक्ष पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। किसान के चेहरे पर खुशहाली लाने के लिए ही आज कृषि क्षेत्र में तेजी के साथ सुधार के लिए प्रधानमंत्री जी के प्रयास से, उनके मार्गदर्शन से केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानूनों में भी व्यापक सुधार किए। बहरहाल सरकार की तमाम कोशिशों के बीच किसानों का आंदोलन जारी है। दिल्ली की सीमाओं पर किसान डटे हुए हैं। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो।